अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम बलोच व्लॉग्स। मेरा नाम मेराज बलोच है और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं व्लॉग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी बनाता हूं बलूचिस्तान के शहरों के बारे में, जैसे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एम बलोच व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेराज बलोच 19 के नाम से आप मुझे वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की उम्दा वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सनती शहरों में से एक ज़िला लसबेला के, जिसको बेला भी कहा जाता है। दोस्तों, लसबेला बलूचिस्तान के अहम शहरों में से एक है। लसबेला जिसकी सरजमीन से बलूचिस्तान को एक ही घर से तीन वज़ीर आला मिले, जो जाम गुलाम कादिर, उसके बेटे जाम यूसुफ और उसके बेटे जाम कमाल अलियानी, जो आज के डेट में भी बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं। दोस्तों, लसबेला जो ख़ुद एक बलोच शाही रियासत था क़याम पाकिस्तान से पहले। दोस्तों, रियासत लसबेला की बुनियाद 1742 में जाम अली ख़ान अव्वल ने रखी और उसके औलादों ने 1955 तक लसबेला की हुकूमत की। दोस्तों, मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सस्सी और पुन्नू का मज़ार भी लसबेला में है। दोस्तों, 30 जून 1954 को ज़िला लसबेला को कलाट डिवीज़न में एक अलग ज़िला बनाया गया, जिसका ज़िलाई हेडक्वार्टर उत्तल रखा गया। ज़िले में 5 तहसीलों और 22 यूनियन कौंसलों में तकसीम किया गया। दोस्तों, ज़िला लसबेला जो कुदरती नज़ारों और ख़ूबसूरत जगहों की वजह से भी बहुत मशहूर है, जिनमें मशहूर नेशनल एंगोल पार्क, मशहूर इंगलाज माता मंदिर जो हिंदुओं की मुकद्दस जगहों में से एक है, जहां हर साल 2,50,000 से ज़्यादा हिंदू अकीदतमंद अकीदत के लिए आते हैं। दोस्तों, ज़िला लसबेला कराची का हमसाया है। लसबेला की कराची से फासला सिर्फ 115 किलोमीटर है और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से ज़िला लसबेला का फासला 485 किलोमीटर का है। दोस्तों, 2017 के मर्दमशुमारी के मुताबिक ज़िला लसबेला की आबादी 574,292 है, जिसको अक्सर लोग रद्द करते हैं। दोस्तों, लसबेला में बलोच, पठान और सिंधी कबाइल आबाद हैं। दोस्तों, ज़िला लसबेला में बलोच, पठान और सिंधी कबाइल के अलावा गैर मुस्लिम कौमें भी आबाद हैं। ज़िला लसबेला को सनती लिहाज में बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। 2014 में ज़िला लसबेला के अब में जनूब मशरक में एक ऑयल रिफ़ाइनरी तामीर की गई थी, जो 1,20,000 बैरल तेल को प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है। एक पावर स्टेशन रिफ़ाइनरी जो तकरीबन 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करती है। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान के सयाती जगहों यानी के तफरीही मकामात की बात करें तो उनमें से आधे से ज़्यादा आपको ज़िला लसबेला के अंदर मिलेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एम बलोच व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में महराज बलोच 19 के नाम से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में या डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।